बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिज़वान। आज हमारा 12th लेक्चर है और इसमें हम लाइक्स और डिसलाइक्स रिलेटेड जो अल्फाज हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ सिकोफेंट। सिकोफेंट होता है ऐसा शख्स जो चापलूसी करता हो, बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग करता हो, बटरिंग करता हो, बूट लिकर हो, ठीक है, बूट को चमकाने वाला हो, चेरी ब्लॉसम टाइप हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिकोफेंट। नेक्स्ट इज़ गोरमे। गोरमे बेसिकली वर्ड यूज़ होता है उस शख्स के लिए जो बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन हो, ज़्यादा पेटू ना हो, मतलब अच्छे खाने पीने का शौकीन हो, तो उसके लिए लफ्ज़ गोरमे इस्तेमाल होता है। फिलैंथ्रोपी बेसिकली जो इंसानियत से मोहब्बत करता हो, ह्यूमैनिटेरियन भी इसी में ही आता है। बिब्लियोफाइल जिसको किताबें पढ़ने का, कलेक्शन करने का शौक़ हो। एंग्लोफाइल अंग्रेज़ों से मोहब्बत करने वाला। फिलैंडरर बेसिकली ऐसे शख्स को कहते हैं जो औरतों से बहुत ज़्यादा रिलेशंस रखता हो, बट वो रिलेशन सीरियस ना हो और उसमें सिर्फ फिज़िकल रिलेशन तक उसका जो है वो हो। ऐसे शख्स को मतलब आप ये कह लें अयाश मिजाज जिसका सिर्फ काम औरतों से जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करना हो, फिलैंडरर उसको बोला जाता है। फिलोगाइनी बेसिकली ऐसे शख्स को बोलते हैं जिसको औरतों की तरफ जाने का रुझान हो, ये बिल्कुल सेम है जैसे फिलेंडर था। सुपर पेट्रोटिज़म जिसको बहुत ज़्यादा कंट्री से मोहब्बत हो। मिज़ोगैमिस्ट, तो मिज़ का मतलब तो हेट है और गैमी का लफ्ज़ मैरिजेस के साथ होता है, तो जिसको नफरत हो शादी से। इसमें आप कह सकते हो मेनली बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस, ठीक है, अगर कोई दीनी वजह से शादी नहीं करता, इस्लाम में तो ऐसा नहीं है, बहरहाल बाज़ मज़ाहिब में होता है ऐसा, तो रिलीजियस रीज़न से अगर कोई शादी नहीं करता तो उसको हम कहेंगे इसको मिज़ोगैमिस्ट है ये। लोकोशियस, बातूनी जिसको बातें करने का हर वक्त शौक हो। एंटीपैथी बेसिकली बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ को आप डिसलाइक करते हो तो शख्स को कहोगे ये इस मामले में एंटीपैथी है, ठीक है, यानी अगर कोई बंदा किसी चीज़ से नफरत करता है तो उसको स्पेसिफिकली उस चीज़ को कहोगे ये एंटीपैथ है। सिंपैथी बेसिकली ऐसे दो लोगों को कहते हैं जिनकी कॉमन फीलिंग हो, जो केम एक जैसा सोचते हो, एक जैसा ज़हनियत रखते हो, उसको बोलते हैं सिंपैथी। इस तरह सिंपैथी किसी दूसरे के किसी दुख में जो है अपना हिस्सा डालना, हम दर्दाना सोच रखना, किसी के साथ कोई दुख वाला मामला हुआ है, किसी की कोई डेथ हो गई है, तो उसके साथ आप अगर हमदर्दी करें उसको भी सिंपैथी कहते हैं। बट सिंपैथी का ये मतलब भी है कि अगर दो शख्स ऐसे हैं जिनकी कॉमन फीलिंग्स हैं उसको भी बोलेंगे इनकी सिंपैथी है। एम्पैथी अपनी फीलिंग को, किसी दूसरे की फीलिंग्स को समझना और उससे उसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, तो उसको कहते हैं एम्पैथी। यानी फॉर एग्जांपल एक शख्स है वो मेरे साथ आके अपनी कोई फीलिंग्स शेयर करता है, मैं उसको समझ पा रहा हूँ, तो इसको मैं बोलूँगा ये एम्पैथी है। पथेटिक बेसिकली अगर आपको कोई ऐसे शख्स ऐसी बात करे जो आपको अफसरदा कर दे तो उसको पथेटिक बोलेंगे। एंड्रोफाइल, एंड्रो मतलब मर्द और फाइल मतलब मोहब्बत करना। फिलोसोफर यानी वो जो शख्स जो जहानत को पसंद करता हो उसे फिलोसोफर कहते हैं, विजडम को प्लस पसंद करता हो और उसको परज्यू भी करें यानी उसकी पीछे भी लगे, उसको और से और उसकी बातें को पसंद निकाले। मिस एंड्रिस्ट, तो मिस एंड्रिस्ट उल्टा हो जाएगा एंड्रोफाइल का, जिसको मर्दों से नफरत हो उसको मिस एंड्रिस्ट बोलते हैं। और एंड्रोमेनिया जिसको ऑब्सेशन पागलपन जुनून हो मर्दों को लेकर। मिज़ोगाइनिस्ट जिसको औरतों से नफरत हो, गाइनी का लफ्ज़ आ जाएगा तो औरतें और मिज़ का मतलब नफरत। मिज़ैंथ्रोपिस्ट जिसको मैनकाइंड से नफरत हो, तो एंथ्रो का लफ्ज़ आ जाए तो इसमें मैन काइंड आ जाती है, इंसानियत आती है। एंथ्रोलॉजी इंसानियत की स्टडी को कहते हैं, मैन काइंड की स्टडी को बोलते हैं। इस तरह एंथ्रो का लफ्ज़ जब भी आ जाए तो आपने क्या ज़हन में रखना है, मैन काइंड। तो मीज़ का मतलब है नफरत, जिसको नफरत हो किससे, इंसानियत से। पैट्रियाट वतन से मोहब्बत करने वाला। ओमनीवोरस जो हर तरह का फूड खा ले, हर तरह का खा ले, गोश्त भी खा ले और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी खा ले। फ्रूजीवेरियस बेसिकली वो होता है जो फ्रूट्स को खाता है। फ्रूटेरियन जो फ्रूट्स को सिर्फ फ्रूट्स ही पे गुजारा करे, और वेजिटेरियन जो वेजिटेबल्स वगैरह पे करे या लीव्स वगैरह पे, यानी नॉन वेजिटेरियन बेसिकली वो शख्स होता है जो गोश्त नहीं खाते। कैनिबल जो आदमखोर होते हैं। ग्लूटन बेसिकली बोलते हैं पेटू को, जो जिसको बार बार खाने की आदत हो। देखिए गोर में ये था कि जिसका खाने पीने का शौकीन हो, अच्छा खाने पीने का, मगर ग्लूटन जो है जिसको बस ये है कि मैंने पेट भरना है, जो आए बस खाना,
कह लेना आप उसको पंजाबी, मैंने कहा था लुद्धा टाइप, वो होता है। बिब्लियोफाइल जिसको किताबें पढ़ने का शौक हो, पेडोफाइल जिसको बच्चों का शौक हो, जूफिलिस्ट जिसको एनिमल्स का शौक हो, डेंड्रोफाइल जिसको ट्रीज का शौक हो, क्रियोफाइल जिसको हाथों के साथ जो है वो अजीब सी फैटिशनेस हो, और पोडोफाइल जिसको पैरों के साथ कोई जो है वो अजीब सी फेटिशनेस हो। ये दो नहीं, दो जो है ना, कीरोफाइल और पोडोफाइल, ये जरा सेक्सुअल हिस्से सेंस में आ जाती हैं। हाँ, हिपोफाइल जो है वो हॉर्सेस का जिसको पसंद हो, बिब्लियोलॉजिस्ट जिसको नॉलेज का शौक हो, बिब्लियोलॉजिस्ट, ठीक है, बिब्लियोफाइल और बिब्लियोलॉजिस्ट दो डिफरेंट है। फिलोलॉजिस्ट जिसको वर्ड्स के साथ, अल्फाज के साथ मोहब्बत हो, नोमड जिसको नोमैडिक लाइफ गुजारना पसंद हो, वेजिटेरियन जिसको वेजिटेबल्स लीव्स वगैरह वो ऑलरेडी हो चुका है वेजिटेरियन। तो नोमैडिक बेसिकली होते हैं खानाबदोश, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो नोमड्स का था, ठीक है। वार मोंगर वो शख्स होते हैं जो हमेशा हर वक्त वार को पसंद करते हैं, कि बस जंग ही होती रहे। पैसिफिस्ट पीस लविंग जो पीस पसंद करते हैं, और डेमोक्रेट्स जिसको डेमोक्रेसी पसंद हो, डिक्टेटर जिनको डिक्टेटरशिप पसंद हो, मोबोक्रेट जो मोबोक्रेसी को पसंद करते हो। मोबोक्रेसी बेसिकली होता है कि जिसमें एक मॉब जो है, जत्था जो है वो चाहता है कि वो कंट्रोल करे पूरी की पूरी, तो उसको मोबोक्रेट बोलते हैं। कनोजर बेसिकली जिसका टेस्ट अच्छा हो आर्ट और पेंटिंग वगैरह को लेकर, यानी लिटरेचर के साथ जिसका अगर कोई अच्छा है तो उसको बोलते हैं, इसमें ये कनोजर है। ग्लोब ट्रोटर जो पूरी दुनिया को घूमता फिरता हो, पूरी दुनिया जिसको घूमने का शौक हो। थियस्ट जिसको खुदा से मोहब्बत हो, रिलीजन से मोहब्बत हो। ड्रंकर्ड मतलब के दारू पीने वाला, अल्कोहलिक ड्रिंक करने वाला। सोशेबल जिसको सोसाइटी से ज़्यादा मोहब्बत हो, सोसाइटी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक रखता हो, उनकी केयर बहुत ज़्यादा करता हो। मर्सनरी बेसिकली ऐसा शख्स होता है जो पैसे के ऊपर, जिसका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही ताल्लुक होता है, दैट इज़ पैसा। मुझे पैसा दोगे तो मैं ये काम कर दूंगा, चाहे उससे इंसानियत जाए भाड़ में। तो ऐसे शख्स को मर्सनरी बोलते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट मैनकाइंड से मोहब्बत करने वाला, ह्यूमनिटेरियन भी हो गया। मेटेरियलिस्टिक, मेटेरियलिस्ट बेसिकली वो शख्स होता है जिसको मादा परस्त, जिसको मटेरियल से बनी हुई चीज़ें पसंद है, जैसे कि कपड़े, घड़ी और प्रॉपर्टी वगैरह, यानी जो मादा परस्त लोग होते हैं उनको बोलते हैं मेटेरियलिस्ट। नार्सिसिस्ट बेसिकली जिसको अपना ज़ात पसंद हो, अपनी ज़ात को बहुत ज़्यादा पसंद करता हो। फिलोजोइक एनिमल्स को पसंद करने वाला, फिलोटेक्निक आर्ट्स को पसंद करने वाला, कैनोफिलिस्ट डॉग को पसंद करने वाला, फिलोथियस्ट लवर ऑफ गॉड, फिलोमैथ लर्निंग जिसको पसंद हो, फिलोगाइनिस्ट औरतें जिसको पसंद हो, ये हो गया था। फिलोम्यूज बेसिकली जिसको प्रॉपर्टी और आर्ट बहुत पसंद हो। कार्निवोरस गोश्त खाने वाले, हर्बीवोरस घास भूस खाने वाले, पिसीवोरस मछलियाँ खाने वाले, ओमनीवोरस जो सब कुछ खा लें। तो ये था जी आज का रिलेटेड वर्ड्स दैट वर रिलेटेड टू लाइक्स एंड डिसलाइक। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा, ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।